हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बेटा, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो नाइन्थ क्लास में बेटा आपने पढ़ा था कि मैटर इज प्रेजेंट अराउंड अस, जो कि प्योर या मिक्सचर फॉर्म में हो सकता है। तो अभी हम इस मिक्सचर फॉर्म की बात नहीं करेंगे, मेनली हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंटली डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें से अगर हम नॉन मेटल और मेटल में इनको डिवाइड करें तो नॉन मेटल है बेटा टोटल 22, 90 आर मेटल, उसके अलावा जो 6 हैं उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या होते हैं अभी आपको बताएंगे। तो जो 22 नॉन मेटल हैं ये भी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इसमें से 10 बेटा सॉलिड्स हैं, 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, 1 नॉन मेटल इज ए लिक्विड जो कि ब्रोमीन है। अभी फीचर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने क्यों बताया आपका। और 12 बाकी जो बच गए 11 वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो 118 में से कितने हो गए मेटल बताओ फटाफट। 90 क्या है मेटल्स हैं, 22 क्या है नॉन मेटल्स हैं, एंड 6 आर मेटलॉइड्स। तो मेटल की अगर हम बात करें बच्चों, तो मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये एक्सेप्शन है इसका, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो क्या बनाएगा, दे फॉर्म कैटायंस। इसलिए दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब इनके आउटमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3। हाइड्रोजन और हीलियम जिसमें सिर्फ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो दोनों क्या हो गए, नॉन मेटल्स। अब ऐसे मेटल्स अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ऐसे मेटल्स जिनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, डिफेंस में अगर उनकी इंपोर्टेंस है तो उनको कह देते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल्स। क्या कहेंगे उनको, स्ट्रेटेजिक मेटल्स कहेंगे बेटा। कोई एग्जांपल बता सकते हो आप जिसकी डिफेंस में इंपोर्टेंस होती है? टाइटेनियम, जिरकोनियम, मैंगनीज, ये सारे स्ट्रेटेजिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई होता है। पहली बात, दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट, तो जल्दी से कोरोड नहीं करते, एंड दे आर स्ट्रोंगर देन आयरन बट लाइटर इन वेट। तो इंपोर्टेंस बढ़ गई ना। तो ये तो पहला टाइप हो गया क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें। तो दूसरी जो इंपोर्टेंट बात इनके बारे में होती है, जो इनको क्लासिफाई करवाती है, उसको कहते हैं दूसरा जो ग्रुप होगा नोबल मेटल्स। सेकेंड वन आर नोबल मेटल्स। तो ऐसे मेटल्स जो रेजिस्टेंट हैं कोरोजन के लिए, जैसे कि मोस्टली बेसिस होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएंगे, गोल्ड आ जाएगा आपका, आपका प्लेटिनम आ जाएगा, आपका रोडियम आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज नोन एज प्रीशियस मेटल्स। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर गोल्ड भी तो प्रीशियस होता है। यस, कि जो लेस रिएक्टिव हो, लस्टरस हो, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी हो, वो क्या कहलाएंगे, प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेटा सारे के सारे मेटल्स की, जो कि कितने हैं नंबर में, 90। अब नॉन मेटल्स जो कि कितने हैं, 22। तो ऐसे एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गए, इलेक्ट्रो वो क्या थे, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक। और हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के उनके आउटरमोस्ट शेल में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड थर्ड वन आर नोन एज, थर्ड ग्रुप क्या हो गया,
तीन टाइप के बताए थे मैंने एलिमेंट, थर्ड वन आर मेटलॉइड्स। सबसे कम होता है नंबर, ओनली सिक्स आर देयर। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करें वो क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड्स। तो कौन कौन से हैं ये आप सिंपली याद रख सकते हो, ये सारे के सारे मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स। सिंबल्स मैंने लिखे हैं मेटलॉइड्स के। अब बात ये आ जाती है कि ये जो मेटल्स हैं ये नेचर में फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। वैसे तो लेस रिएक्टिव होते हैं तो मोस्टली ये फ्री फॉर्म में मिलते हैं, नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। लेकिन देर आर सर्टेन मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल जिनको कहते हैं, तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म्स में मिलते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो कि कोपर से ऊपर है, कोपर से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में। क्लियर टू एवरीवन? और मेटलर्जी क्या है कि उनके ओर से मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना, वो क्या कहलाता है, मेटलर्जी। वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब पहले बात करें पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में इनकी। तो देखिए जो लेफ्ट साइड में है पीरियोडिक टेबल की, लेफ्ट साइड में जो पीरियोडिक टेबल के हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स। और जो राइट साइड में होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो गए, नॉन मेटल्स। ठीक। एंड ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये सारे क्या हो गए, मेटलॉइड्स। तो लेफ्ट साइड में मेटल, राइट साइड में नॉन मेटल, और मेटलॉइड के एक स्पेसिफिक जिगजैग लाइन यहां पे प्रेजेंट है। बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन। ठीक। तो पोजिशनिंग आपको पता चल गई। अब मेटल में बच्चों दो पार्ट होते हैं, एवरी मेटल हैव टू पार्ट। अब आप सोचो कि मेटल के क्या दो पार्ट हो गए, मेटल एटम की बात कर रहा हूं, मेटल एटम हैव टू पार्ट्स। एक तो उनका जिसको हम कोर कह सकते हैं या सेंटर कह सकते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिटिवली चार्ज एरिया है उसको कहा जाता है बेटा कर्नल। ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ मेटल एटम विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्टली प्रेजेंट इन द सेंटर। तो इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट साइड में। तो मेटल को हम क्या कह सकते हैं, सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इन विच पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स आर डिप्ड। पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स आर डिप्ड, तो वो क्या कहलाएगा, मेटल। अब कर्नल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ कर्नल्स है। सो इट गिव्स दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कि ये पॉजिटिव 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 सेंट्रलाइज्ड पार्ट, राइट, और बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एटम ऑफ मेटल। तो दो पार्ट हो गए ना, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और आउटर में इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज कर्नल के बीच में और नेगेटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसकी वजह से इनमें क्या बनते हैं, मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो मेटल फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, याद रह जाएगा। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बेसिक और टर्म्स इसलिए बताई क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को याद भी होंगी, ठीक है।